हेलो, अंपायर मैच को स्टार्ट करे। फिर से एक बार तमाम दर्शकों को मेरा सलाम, लेके चलता हूं आपको मैदान के ऊपर। डांडा पैकर वर्सेस बीटी जे में एक बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा यहां पर। इस टूर्नामेंट का आज पहला दिन और पहले दिन की पहली रात चल रही है और एक बड़ा मुकाबला इस बीच बीटीजे वर्सेस डांडा पैकर। इनिंग का आगाज करने के लिए वहां पर सलामी के बल्लेबाज साबित और तमीम, स्ट्राइक पे साबित, नॉन स्ट्राइक पे तमीम, पहली ओवर लेके परेश और राउंड विकेट से पहली मर्तबा साबित के लिए। पहला ओवर पावर प्ले का, राउंड विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर गौरव का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, आत्री की मदद से खाता खुलता हुआ बीटी जेम का। इस मर्तबा अच्छा कैच हो सकता था, मौका गवाया वहां पर परेश ने, अपने आप से निराश रह गए यहां पर। पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद में दूसरी गेंद पे मौका जरूर था, लेकिन मौका छूटा यहां पर। कैच छूटा है क्या मैच छूटेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां पर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर परेश, राउंड विकेट से साबित के लिए। इस मर्तबा हल्के हाथों के साथ में जब तक के फील्डर फील्ड करते थ्रो आता, एक रन मुकम्मल कर लिया वहां पर, एक रन के साथ में खाता खोला अपना साबित ने। पहली मर्तबा तमीम इस सेकेंड पर सामना करेंगे परेश का। पावर प्ले का ओवर है, कम से कम एक बाउंड्री यहां पर, और इस मर्तबा अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिद्धू फील्ड करके थ्रो करते एक रन मुकम्मल। एक रन के साथ स्कोर झाप हो जाए बीटी जेम का, तीन रन, तीन गेंदे हो चुकी है। मर्तबा अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। कैच छोड़ा था परेश ने, अब थोड़े सा अपने आप को कोसते हो गए वहां पर परेश ने, चौका लगा दिया यहां पर, चार रन के साथ स्कोर जा पूछा बीटी जेम का, सात रन। पहला ओवर चल रहा, आखिरी दो गेंदे आना शेष, टू टू गो। इस मर्तबा एक ही रन से संतुष्ट। पहली ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे तमीम। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। एक ओवर के खात्मे पे स्कोर है बीटी जेम श्रीवर्धन का आठ रन बिना कोई विकेट गवाए। एक मौका जरूर था परेश के, लेकिन उसको गवाने के बाद में आठ रन बनाती हुई बीटी जेम एक ओवर के समाप्ति पर। अब देखना है दूसरी ओवर कप्तान है किसको मोर्चे पे लगाते हैं यहां पर, दूसरी ओवर लेके कौन आता है डांडा पैकर की जानिब से। प्रथमेश, प्रथमेश को मोर्चे पे लगाया कप्तान ने, देखना है मेरे टीम के लिए कितना सफल हो पाते था साबित, खेलने के लिए तैयार है। कैच छूटा है, अब देखना इस यहां से किस तरीके की बल्लेबाजी देखने मिलती है दोनों ही बल्लेबाजों की जानिब से। स्कोर है आठ रन एक ओवर के खात्मे पे, दूसरा ओवर लेके प्रथमेश। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज, तमीम खेलने के लिए तैयार। नो बॉल, नो बॉल, एक रन, टोटल दो रन मिलेंगे। दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अच्छी गेंद, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। धीमी गति के साथ में थोड़ी सी यहां पर चलते हुए बीटी जेम श्रीवर्धन, अभी तक बिल्कुल बांध के रखा। एक चौका जरूर लगाया था साबित ने, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा शॉट देखने नहीं मिला।
इस मरतबा अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, चार रन, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद चार रनों के लिए, अच्छा शॉट यहां पर। मैंने पहले ही कहा था कैच छूटा है साबित का, अब उसी का खामियाजा यहां पर भुगत रही है दांडा पैकर। दूसरी ही गेंद पे चांस था, जीरो पे आउट करने का चांस था साबित को परेश के, लेकिन वो मौका गंवाने के बाद में अभी तक दो बाउंड्री लगाने के बाद में साबित क्रीज पे मौजूद। आखिरी तीन ही गेंदे आना शेष, स्कोर है बीटीजीएम का 16 रन बिना कोई विकेट गोए, जबकि दूसरा ओवर चल रहा है, तीन गेंदे हो चुकी है, आखिरी तीन गेंदे आना शेष, 3-2 गो। साबित खेलने के लिए तैयार फिर से एक बार, इस मरतबा फिर से एक बार उतना ही अच्छा शॉट होते नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर परेश की, जब तक के थ्रो आता एक रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। प्रथमेश आखिरी दो गेंदे आना शेष, इस मरतबा थोड़ी सी स्लो लाइन गेंद की थी, एक ही रन मिलेगा, 1-2 गो। अच्छी गेंद उतनी अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रो में, डॉट बॉल, दूसरी ओवर के आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं, डॉट बॉल रहेगा। अब देख रहे हैं तीसरी ओवर लेके कौन आता है, स्कोर है 17-18 रन, दो ओवर के खात्मे पे बिना कोई विकेट खोए स्कोर है बीटीजीएम का 18 रन। सिद्धू और क्लीन बोल्ड, कोई मौका नहीं यहां पर। अब तमीम के आउट होने के बाद में प्रणीत, पहली गेंद पे पहला विकेट लेने में एक ब्रेक थ्रू जरूर दिला यहां पर सिद्धू ने पहली गेंद पे, तीसरी ओवर की पहली गेंद पे, उसके बाद प्रणीत और खराब शॉट, पहली गेंद पे आउट होकर पवेलियन में वापस, बिना कोई रन बनाए प्रणीत बैक टू द पवेलियन, दो गेंदों में दो विकेट। प्रणीत के आउट होने के बाद में वसीम अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए यहां से देख रहे हैं किस तरीके से बल्लेबाजी देखने मिलती है। अच्छा शॉट, रन आउट का चांस है जरूर है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान है, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बीटीजीएम का 19 रन, आखिरी तीन गेंदे आना शेष, तीसरा ओवर चल रहा है। स्मर्तबा खराब गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, अंपायर ने देखा पर का वाइड करार दिया, एक ही रन मिलेगा, डी जोन में गया गेंद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर साबित को। अब आखिरी दो गेंदे आना शेष, स्कोर है 21 रन। अब यहां से थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी यहां पर, स्मर्तबा अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन आउट का खतरा और आउट। वन टू गो, आखिरी गेंद, वसीम के आउट होने के बाद में खुले द तीन ओवर के खात्मे पे बीटीजीएम का स्कोर है तीन विकेट के नुकसान पर 22 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट बीटीजीएम श्रीवर्धन। अब देखना है चौथी और आखिरी ओवर लेके कौन आता है, कप्तान किसको मोर्चे पे लगाते हैं।
22 रन। साजो आखिरी ओवर लेके, अच्छा शॉट वहां पर, रन आउट की अपील जरूर की थी लेकिन दोनों ही, हेलो, एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 23 रन। समर्थवा डॉट बॉल, चौथा आखिरी ओवर लेके आए साजू। अभी तक दो गेंदे की एक ही रन खर्च किया है साजू ने। फुल टॉस बॉल, समर्थवा टैप किया है वहां पर, जब तक के फील्डर फील्ड करते थ्रो आता एक ही रन मिलेगा साबित। आखिरी ओवर इस मरतबा, अच्छा शॉट शुभम जब तक के फील्ड करते एक रन, एक ही रन से संतुष्ट। टू टू गो, आखिरी दो गेंदे आना शेष। वन टू गो इस इनिंग की, इस ओवर की आखिरी गेंद लेके साबित। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पे एक ही रन मिलेगा और एक ओवर के साथ, एक रन के साथ इनिंग का खात्मा होता हुआ स्कोर है बीटीजीएम का 27 रन। और इस मैच को जीतना है डांडा पैकर को तो 28 रन बनाने होंगे, 24 गेंदे 28 रन इस मैच को जीत के लिए। देवेंद्र मयेकर जहां कहीं भी हो प्लीज यहां पे कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे, उनका बैठने का इंतजाम किया हुआ यहां पर। देवेंद्र मयेकर जहां कहीं भी हो प्लीज यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे। फील्डिंग सजा ले अपने बीटीजीएम और डांडा पैकर अपने सलामी के बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज भेज दे क्रीज पे। एक अच्छा मैच देखने मिलेगा, अच्छी गेंदबाजी अगर होगी यहां यहां पर तो एक रोमांचक मैच, एक अच्छा मैच देखने मिलेगा तमाम दर्शकों को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को। एक सुपर ओवर हमने देखा था, प्रदीप भाटकर और संदेश तोड़नकर जहां कहीं भी हो प्लीज यहां पे कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे, उनका बैठने का यहां पर इंतजाम किया हुआ है। पहली ओवर लेके साबित 27 रन बनाए थे, 28 का लक्ष्य है शुभम और प्रथमेश। इनिंग का आगाज करने के लिए पहली गेंद टैप किया वहां पर, एक ही रन मिलेगा। रन आउट का चांस और रन आउट, कोई जरूरत नहीं थी रन लेने की, थोड़ी सी जल्दी कर बैठे वहां पर प्रथमेश और अपना विकेट गवाकर पवेलियन में वापस। पहला झटका लगता हुआ यहां पर डांडा पैकर को, एक रन के स्कोर पर एक विकेट, पहला विकेट अपना गवा बैठे डांडा पैकर। अब प्रथमेश की जगह संभालने के लिए परेश। साबित फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने शुभम, राइट आर्म राउंड विकेट, ऐसे मरतबा अच्छा शॉट, गैप डोन निकाला यहां पर, चार रन मिलेंगे। चार रन के साथ डांडा पैकर का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदे हो चुकी है अभी तक, 3 गेंदे आना शेष।
अच्छा शॉट उतने अच्छे, फील्डिंग कैच जरूर हो सकता था, लेकिन आसान नहीं होते ऐसे कैचेस। वन टू गो, आखिरी गेंद, स्कोर है 5 रन। आखिरी गेंद लेके साबित, टैप कैच मर्तबा, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज, एक ही रन मिलेगा एक ओवर के खात्मे पे। स्कोर है बीटी जेम्स श्रीवर्धन का 6 रन। अच्छा शुभम परेश और अभी तमीम, तीनों के लिए खुशखबरी, अगर तमीम विकेट लेते हैं तो सुनील करदेकर, 3 विकेट लेते हैं तो इनके तरफ से 300 रुपये, और शुभम और परेश के लिए हर चौके पर 100 रुपये आए हुए। यहां पर तमीम दूसरा वाले की फुल टॉस, इनकी गेंद थी अच्छी, फील्डिंग वहां पर, डिक्लेयर 2 रन मिलेंगे, डी जोन में गई वहां पर गेंद, 2 रन मिलेंगे। तमीम फिर से एक मरतबा, अच्छा शॉट जरूर खेला था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। परेश पहली मरतबा स्ट्राइक पे, सामना करेंगे तमीम की गेंद का, तमीम राउंड विकेट परेश के लिए पहली मरतबा। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर हो चुका है 9 रन। अच्छी गेंद, चकमा जरूर दिया था, इस मरतबा अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज, आखिरी 2 गेंदे आना शेष, 2-2 गो। डॉट बॉल, आखिरी गेंद, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, 1-2 गो। स्कोर है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर डांडा पैकर। एक रन मिलेगा 2 ओवर के खात्मे पे, स्कोर है 11 रन। अब आने वाली 12 गेंदों में 17 रन की जरूरत, 12 गेंदे 17 रन। बीटीजीएम का अगर कोई भी बॉलर 3 विकेट लेता है 2 ओवर में तो 300 रुपये यहां पर आए हुए सुनील करदेकर इनकी जानिब से। 12 गेंदे 17 रन, और शुभम और परेश के लिए हर चौके पे 100 रुपये। प्रणीत तीसरी ओवर लेके, अंपायर डॉट बॉल ना, ओके थैंक यू, डॉट बॉल। शुभम और परेश 11 गेंदे 17 रन, इस बात को नोट कर ले। रनआउट का चांस हो सकता है यहां पर, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी खराब रनिंग हुई थी यहां पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद। वहां पर एक ही रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जा पहुंचा है 12 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, अभी तक 2 गेंदे हुए, 4 गेंदे आना शेष। रन आउट का चांस, चांस जरूर था लेकिन गवा दिया है वहां पर
अच्छा थ्रो किया था प्रणीत ने, शुभम्बा वाइड बॉल, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा था वाइड बॉल। इस ट्रिक की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ डांडा पैकर का 14 रन। तीन गेंदे हो चुकी, आखिरी तीन गेंदे आना शेष। अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। परेश ऑन स्ट्राइक, 2-2 गो, आखिरी दो गेंदे आना बाकी। हल्के हाथों के साथ में ढकेला वहां पर, एक ही रन जब तक कि फील्डर फील्ड करते थ्रो आता, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 1-2 गो, अब तीसरे ओवर के आखिरी गेंद सामने शुभम। अच्छी गेंद, टैप क्या है वहां पर, तीन ओवर के खात्मे पे स्कोर है 17 रन। अब 17 रन, तीन ओवर 17 रन हो चुके, अब आने वाली 6 गेंदों में 11 रन, 6 गेंदे 11 रन। दोनों ही बल्लेबाज इस बात को नोट कर ले, 6 गेंदे 11 रन, अगर 10 रन बनते यहां से तो इस टूर्नामेंट का दूसरा सुपर ओवर आज ही देखने मिलेगा। आखिरी ओवर लेके खुलेद, खुलेद सामने शुभम, 6 गेंदे 11 रन, राइट आर्म राउंड विकेट से शुभम के लिए। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, मुस्तकीम की वहां पर, परेश के ऊपर सारी जिम्मेदारी, परेश और शुभम एक विकेट जरूर गवाए, लेकिन उसके बाद में कोई बड़ा शॉट अभी तक देखने नहीं मिला। खुलेद फुल टॉस गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग प्रणीत की, अच्छी फील्डिंग। अब 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 8 रन, 2 गेंदे अच्छी करनी होगी यहां से खुलेद को अपने टीम को जीत दिलाने के लिए। 2 गेंदे और इस मरतबा फिर से एक बार उतनी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग, जोरदार तालियां होना चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, एक अच्छी फील्डिंग, 3 रन जरूर बचाए। अब 2 गेंदे और 7 रन, एक रोमांचक मैच, यहां से 6 रन बनते दो सुपर ओवर। 2 गेंदे और 7 रन, खुलेद सामने शुभम और ये आउट। और इसी के साथ है मैच बीटीजीएम ने जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन बीटीजीएम श्रीवर्धन। और इसके बाद होने वाला, मतलब अभी होने वाला मुकाबला बीटीजीएम और भरोट कोल, दोनों कप्तान यहां पर आके टॉस उड़ा ले, बीटीजीएम और भरोट कोल दोनों कप्तान यहां पर आके टॉस उड़ा ले।
मालवण लगाए गए।